जैसे कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा, सिंचन और चॉप पैसे छापने की मशीन चुरा कर एक गरीब से गांव में लेके जाते हैं और वहां के सभी लोगों को गन दिखाकर धमकाते हैं और बोलते हैं कि तुम सब अब हमारे लिए काम करोगे, अगर नहीं किया तो सभी को यहीं पे मार दूंगा। और फिर कुछ लोगों को मारने के बाद सिंचन और चॉप निकल जाते हैं बहुत सारे पैसे छापने के लिए और फ्रैंकलिन और लेस्टर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं उसी मशीन को ढूंढने के लिए। और फिर सभी गांव वाले फ्रैंकलिन को बताते हैं कि किस तरीके से सिंचन ने उनके साथ बर्ताव किया और अभी वो मशीन लेके चला गया बहुत सारे पैसे छापने के लिए। फिर फ्रैंकलिन सोचता है कि सभी गांव वालों को थोड़े थोड़े पैसे दिए जाए और उतने में वहां पर सिंचन आ जाता है पूरे के पूरे 10,000 करोड़ लेकर। उसने और चॉप ने मिलकर हर एक गांव वाले को 100-100 करोड़ दिए और फ्रैंकलिन के खिलाफ भड़काया। उसके बाद सभी के सभी गांव वाले सिंचन के साथ मिल जाते और चले जाते सिंचन के साथ गुंडे बनने के लिए। और जैसे ही फ्रैंकलिन उस बॉक्सिंग रिंग के पास पहुंचता है और वो वहां पर देखता है कि सभी गांव वाले एक दूसरे को बहुत बेरहमी से मार रहे थे, एक दूसरे की जान ले रहे थे। फिर फ्रैंकलिन सोचता है कि इन सभी को रोकना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जैसे फ्रैंकलिन रोकने के लिए जाता है सभी गांव वाले फ्रैंकलिन के ऊपर धावा बोल देते हैं और हर कोई मिलकर फ्रैंकलिन को मारने लग जाता है। और उतने में सिंचन के बॉडीगार्ड ने फ्रैंकलिन के पैरों में गोलियां मार के फ्रैंकलिन को बेहोश कर दिया। अब देखिए आगे। अबे यार लेस्टर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यार, ये सिंचन और चॉप ने तो भाई इतने सारे पैसे छाप लिए, हम लोग तो अब उसके सामने कुछ भी नहीं है यार। अरे यार फ्रैंकलिन, अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं यार। वही तो यार, बस एक बार यार वो पैसे छापने की मशीन हमारे हाथ लग जाए यार, फिर सिंचन और चॉप का सारा घमंड हम लोग ही निकालेंगे। अबे यार सिंचन, हम दोनों तो यार अब लॉस सैंटोस के बहुत बड़े माफिया बन चुके हैं। अबे ओए चॉप, हम नहीं बस मैं बन चुका हूँ, तू तो मेरा बस पालतू कुत्ता है समझा। अबे ओए सिंचन, क्या बोला तूने, पालतू कुत्ता होगा तू, आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हम दोनों के बदौलत है, वरना यार तू अकेला कुछ नहीं कर पाता समझा। अरे यार सर सुनिए, आप जल्दी से डिसाइड करिए यार, कौन मालिक है हमारा, फिर हम लोग उसी की बात मानेंगे। हाँ मैं मालिक हूँ तुम सभी का आपसे, और ये चॉप एक हमारा पालतू कुत्ता, इसकी कोई औकात नहीं है और ये एक भीख मंगा कुत्ता है समझे तुम सभी लोग। अबे वही सिंचन, तू भीख मंगा कैसे बोल रहा है यार, मुझे पहले ही पता था तेरे पर भरोसा रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यार तूने मेरे को एक बार पहले भी भीख मंगा बोला था, मुझे सब याद है, तूने बस मेरा इस्तेमाल किया है यहाँ तक आने के लिए समझा। हाँ तो वो तेरी गलती है, वो तुझे समझ नहीं आया, तुझे अगर यहाँ पर रहना है तो रे वरना निकल यहाँ से। अबे ओए सिंचन, इसमें से आधा तो मैं लेके जाऊंगा। अबे ओए अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया ना, बॉडीगार्ड्स इसके अंदर सीधा के सीधा 100 की 100 गोलियां डाल देना। अबे यार सिंचन तो पूरी तरीके से बदल गया यार, इसके औकात तो इसको दिखानी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यार वो फ्रैंकलिन था साला, वो तो मुझे यार लेके जाता था राउंड पे और अच्छा अच्छा खाना भी देता था यार, बिना फुकट यार मैं इसकी बातों में आ गया और इतना गंदा फंस गया। अबे यार फ्रैंकलिन प्लीज यार मेरी मदद कर दे यार, मैं भीख मांगने आ गया यार तेरे पास, प्लीज यार इस बार सहारा दे दे मुझे। अरे देखो 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 भाई, कौन आया है, चॉप आया है, चॉप भाई साहब, ये तो यार लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा माफिया बनना चाहता था ना, क्या हो गया भाई, आज कैसे याद आई मेरी तुझे। अबे यार फ्रैंकलिन, वो सिंचन ने अपनी औकात दिखा दी, उसने आज फिर मुझे भीख मंगा बना दिया और मुझे कहने लगा कि यार मैं एक उसका पालतू कुत्ता हूँ और कुछ भी नहीं, उसने मेरा सब इस्तेमाल किया है। अरे ये तो मुझे पता ही था यार चॉप, पैसे आने के बाद इंसान बदल जाते जैसे तू बदल गया था। अबे यार फ्रैंकलिन प्लीज यार माफ कर दे मुझे। अरे यार फ्रैंकलिन कर दे यार माफ। अच्छा चल ठीक है यार लेस्टर, तू बोल रहे थे इसको माफ कर देता हूँ। अबे यार थैंक यू यार फ्रैंकलिन, चल यार मैं तुझे सिंचन के सारे राज बता दूंगा। हाँ भाई बता बता क्या हो गया। अबे यार फिलहाल तो उसने बिग माफिया को मार के उसके घर पे कब्जा कर दिया है, और जो तेरे बॉस के डायमंड चोरी हुए थे ना, अबे हाँ हाँ वो भी हम लोगों ने चोरी किए थे और वो भी वही पर रखे हुए अभी तक। अभी क्या बात कर रहा है तू यार, उन डायमंड्स की वजह से मेरे बॉस को हार्ट अटैक आ चुका था यार, किसी भी हालत में वो डायमंड्स हमें उससे लेने ही होंगे भाई साहब। यार आ रहा है लेस्टर तो हमारे साथ। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन, तुम जाकर आ जाओ, मुझे हमारे मेंशन पे काम है थोड़ा। यार गाइस आपने देखा ये सिंचन भाई कितना ज्यादा बदल चुका है, मतलब यार इसने चॉप को भी निकाल दिया अभी अपने घर से, जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था, और चॉप की कितनी ज्यादा बेइज्जती भी की उसने। यार गाइस अभी हमें किसी भी हालत में सिंचन को रोकना ही होगा, वरना यार वो पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर देगा। गाइस अगर आप सभी हमारे सपोर्ट में हो तो गाइस यार आप फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप सिंचन के सपोर्ट में हो तो यार आप फटाफट कमेंट में सिंचन ओपी स्पैम कर दो। ये देखो गाइस, ये रहा वो बिग माफिया का मेंशन, यार यहाँ पे तो सिंचन ने बहुत गंदा कब्जा किया होगा वैसे गाइस। और ये देखो गाइस यार सारे के सारे डायमंड्स यहीं पर है भाई साहब, और यहाँ पे देखो कितनी सारी सिक्योरिटी भी है यार गाइस। अबे वो सिंचन भाई सुन, ये सारे के सारे जो डायमंड्स है ना यार, ये मेरे बॉस के समझा, और अब मेरे बॉस नहीं रहे तो भाई साहब ये सारे डायमंड्स भी मेरे ही हुए
समझा? अबे आ गया भिखारी भीख मांगने के लिए फिर से। अबे ओ सिंचन, थोड़ा जबान संभाल के बात कर समझा, वरना इधर ही तेरा मुंह फोड़ दूंगा। अबे ओ भीख मांगे, हाथ लगा के बता बस, मैं अभी लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा माफिया बन चुका हूँ समझा, यही पे गाड़ दूंगा तुझे। और तेरी औकात कैसी हुई मेरे घर पे आने के लिए, चल निकल यहाँ से। और तुझे बता दूं, जो तेरा घर है ना उसके ऊपर भी मैंने कब्जा कर लिया है, चाहिए तो लेस्टर को कॉल करके पूछ ले। भाई तेरी इतनी हिम्मत, जो मेरे मेंशन पे तूने कब्जा किया, यार तुझे तो छोड़ूंगा नहीं सिंचन यार। चल चौप, इससे तो बदला लेकर ही रहेंगे हम लोग। और भाई जो कुछ तूने अभी ये खरीदा है ना भाई, इसको तो भाई तुझसे भाई मैं छीन के रहूंगा, याद रखना सिंचन। चल भाई चौप। अबे यार फ्रैंकलिन क्या करेंगे अभी हम लोग, आजा आजा चौप, बाद में सोचते, अब हम लोग किस तरीके से भाई इसकी बैंड बजाए ये सोचना होगा हमें अब। अरे एक मिनट चौप, तुझे पता है ना सिंचन ने पैसे छापने की मशीन कहाँ पर रखी है? अबे यार हो, चल चल मुझे बता कहाँ पर है। अबे चल बताता हूँ। अबे वो कल वे देखिए यहाँ से अंदर लिफ्ट में। अच्छा यार यहाँ पे, अच्छा ये गोडाउन है क्या भाई, इसके अंदर छापते हो तुम लोग पैसे? बट यार इसके अंदर कैसे जाएंगे चौप हम दोनों? अबे यार इसमें तो हाईटेक सिक्योरिटी लगी हुई है। हाँ तो भाई तेरे पास चावी नहीं है क्या, और तुझे पता नहीं क्या कैसे जाते अंदर? अबे नहीं यार, उसने तो कभी दी नहीं थी मुझे इसकी चावी। अबे यार भाई साहब चौप, भाई साहब जगह का नाम नहीं चाहिए था हमें, वो मशीन को ही चुराना था भाई साहब, यार तू पागल है। चल यार अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, अब मैं जैसा कहूँ भाई वैसे ही तू सारे करते रहना। आज तो हम दोनों भाई सिंचन से बदला लेकर ही रहेंगे, थोड़े से पैसे के आगे भाई हमें नीचा दिखाएगा, अब बताते इसको। अबे चौप तू समझ गया ना सारा का सारा प्लान, कैसे एक्टिंग करनी है अब? अबे हाँ यार चल अब इसकी बैंड बजाते। अबे देख यही कोई खड़ा है वो। हाँ रुक, आजा जल्दी अभी इससे बात करते यार थोड़ी। अरे यार सिंचन सर प्लीज यार हम दोनों को काम पे रख दो, हमारे पास अब खाना खाने के भी पैसे नहीं बचे। आ गए भिखारी भीख मांगने के लिए, यही है तुम्हारी औकात? अबे यार सिंचन सर प्लीज यार हमें काम दे दो। अरे ओ भीख मांगे चौप, तेरी भी औकात यही है समझा, इसलिए मैंने आज तुझे घर से निकाल दिया था। अबे यार सर प्लीज यार खाने के लिए दो दो कुछ, बहुत ज्यादा भूख लगी हमें। हाँ यार सिंचन सर आप जो काम बोलोगे हम लोग वो काम करेंगे, बट यार आप हमारे लिए एक रहने के लिए छोटा सा रूम और खाने के लिए थोड़ा सा खाना और थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। अरे यार मेरे गार्ड्स देख रहे हो, एक टाइम पे दोनों मेरे दोस्त थे, और आज इनकी औकात देखो, साले भिखारी लोग। आ जाओ मेरे पीछे, तुम दोनों को तुम्हारा काम समझा देता हूँ। ये है देखो मेरी एकदम फेवरेट कार रॉल्स रॉयल, इसको अगर एक भी स्क्रैच आया ना तुम दोनों को जान से मार दूंगा समझे। इसको एकदम बढ़िया तरीके से रोज सुबह उठने के बाद धोना है, और इसके बाद में यहाँ पे जितने भी गोल्ड्स की कार है सभी को एकदम बढ़िया तरीके से धोना है समझे। हाँ सर समझ गए। और क्या क्या करना है बताओ सर। यहाँ पर आ जाओ, ये है मेरा एकदम लग्जरियस गोल्डन हेलीकॉप्टर समझे, इसके ऊपर पूरा का पूरा गोल्ड है, इसको भी तुम्हें साफ करना होगा समझे फ्रैंकलिन। और चौप इधर आ, अब तुझे बताता हूँ तेरा काम क्या है। ओ मालिक बताओ आपका हुक्म सलाखों पर। यहाँ पर ये जितने भी गोल्ड कार है मेरी, ये तो मेरा एकदम बहुत बड़ा कलेक्शन है समझे, और इसको एकदम चमकाना है तुझे। और अगर ये गाड़ी पे एक भी स्क्रैच आया ना चौप, तो तुझे कभी भी खाना नहीं मिलेगा और ना ही सहारा मिलेगा समझा। हाँ मालिक समझ गए यार, मैं भी चौप को ये गाड़ियाँ साफ करने में मदद कर दूंगा, आप चले जाओ हम दोनों अपने काम पे लग जाते। हाँ ये हुई ना बात, साले भिखारी लोग तुम्हें सहारा देना पड़ा मुझे, वरना यार तुम्हारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे भीख मंगो। हाँ मालिक आपने बहुत सही कहा। हाँ मालिक आप जो बोलोगे वो सही। चल आजा यार चौप, अपन दोनों अभी काम पे लग जाते, फटाफट आ यार, एकदम बढ़िया तरीके से धोएंगे ये सारी कार। तूने भी सोचा नहीं होगा कि भाई ऐसी कार्स कौन धोता है समझा। अबे यार रुक जाओ आने दे। अबे भाई जल्दी आ यार चौप, अब देख मैं अपना काम चालू कर रहा हूँ धोने के लिए, तू भी यार उस साइड से साफ करने के लिए चालू हो जा समझा। अबे यार क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? अबे ये क्या तू तो स्टिकी बॉम्ब लगा रहा है? अबे ओए रुक जा चौप, चिल्ला क्यों रहा है बे? भाई साहब देख यार मैं एकदम बढ़िया तरीके से कैसे चमका रहा हूँ यार सारी गाड़ियाँ। ये सारी गाड़ियों की सफाई देखकर यार सिंचन सर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन तूने सही कहा यार, ऐसी गाड़ियाँ तो किसी ने भी साफ नहीं की होगी जिंदगी में, मुझे लगता है यार इसके बाद में ये गाड़ी धोने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। अबे हाँ यार चौप तूने एकदम बढ़िया बात की, रुक जा यार इस चौपर को भी उड़ा देते भाई साहब, 5-6 स्टिकी बॉम्ब लगा दूंगा भाई साहब, इसका जो घमंड था ना भाई, ये है मेरा लग्जरियस गोल्डन हेलीकॉप्टर भाई, अब इसको भी उड़ा देंगे। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन वो सारे पैसे ना उन सभी को भी उड़ा दे भाई साहब, यार इसको तो आज गरीब बना के रहेंगे हम दोनों। अबे हाँ यार चौप मैंने हर जगह पे लगा दिए। चल आजा यार थोड़ा साइड में आजा, वरना यार तुझे भी लग जाएगी। अबे यार फ्रैंकलिन आ गया मैं। तो यार गाइस आप सभी रेडी हो? 1 2 3 बूम। वो भाई साहब कितनी बुरी तरीके से भाई साहब ये तबाही हुई है, और वो भाई साहब सिंचन की सारी गोल्ड की कार्स भाई साहब चल के राख भी हो चुकी है यार, मजा आ गया यार गाइस। अरे यार मालिक सिंचन मालिक यार ये देखो यार आपकी सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई। अरे यार ये क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया यार, ये क्या हो गया, मेरी सारी की सारी कार चल गई, और ये मेरा गोल्डन चॉपर भी यार, भाई साहब यार ये किसने किया? अरे यार सर ये तो देखो आपके सारे गार्ड्स मर गए। अरे यार उनका
छोड़ो, मेरी कार्स का क्या हो गया यार? इससे तो यार मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। अरे यार सर, आप देख लो यार, अभी चौपर में तो चले जाते यार, हमारा एक दोस्त मिलना है हमें। अरे यार अब मैं क्या करूँ? अबे यार फ्रैंकलिन यार, अब मजा आ गया यार, क्या बदला लिया यार तूने, सिंचन की सारी गोल्डन कार चला दी। हाँ यार, इस बार तो भाई ये किया है, और कल तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो गाइस मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।